देश भर में कोरोना के प्रकोप के चलते लॉकडाउन पर उत्तराखंड महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्या केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक पर जमकर बरसी हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना के दौरान बीजेपी पूरी तरह असफल साबित हुई है। दरअसल सरिता आर्या पूर्व पालिका अध्यक्ष मुकेश मेहरोत्रा के निवास पर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंची थी। इसके बाद सरिता आर्य काशीपुर महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर पहुंची, जहां उन्होंने कोरोना काल में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर कई प्रहार किए। इस दौरान उन्होंने प्रवासियों को रोजगार देने में बुरी तरह असफल रहने का आरोप लगाया। लॉकडाउन में सबने साथ दिया, पूरी जनता ने साथ दिया, सबने साथ दिया, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए, बिना सोचे समझे लॉकडाउन शुरू कर दिया, जिससे कि आज हमारे जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं वो एक तो प्रवासी कहलाए जा रहे हैं, दूसरा उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अगर जिस समय लॉकडाउन करा मोदी जी ने, 10-15 दिन का टाइम लगा दे देते, तो जितने लोग आज ये प्रवासी जिनको नाम दे रहे हैं वो आज अपने घरों में सुरक्षित होते।